हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रक्स। तो अब हमारा जो आईआईटी जैम का जो बेसिकली हमने मैकेनिक्स पोर्शन है जो ऑलरेडी हम अपने कोर्स में कवर अप कर चुके हैं उसका हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो ये मैकेनिक्स की सीरीज़ है और आप देखेंगे कि हमने अपने हमारा जो पर्टिकुलर चैनल है उस पर जो कोर्सेज है उसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर अप कर लिए। अभी हम मैकेनिक्स की रिविजन करेंगे और आपको और भी सब्जेक्ट्स की जैसे वेव्स और ऑप्टिक्स वाला जो पूरा यूनिट है उसकी भी रिविजन वीडियोज हम डालते रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं मैकेनिक्स में। सबसे पहले हम लॉज ऑफ मोशन और ये सब से शुरू करेंगे क्योंकि हमने क्लास में भी इसी ही रूट से डिस्कस करा है और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएगा कि कैसे आप मैकेनिक्स को फिर आप एंड तक जो फ्लूइड डायनेमिक्स है तब तक आपका एक फ्लो बन जाएगा, आपको सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इस पर्टिकुलर जो रिवीजन है इसमें हम आप ये देखेंगे कि क्वेश्चंस वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलेस का डिस्कशन करना चाहते हैं। जो क्वेश्चन का डिस्कशन अगर आपको पूरा क्वेश्चंस और मतलब जैसे टॉपिक के साथ क्वेश्चंस और पूरा वो चाहिए तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। बाकी हम रिवीजन जो है इसमें प्रॉपर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है ये हमने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा है कि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट में रहना चाहती है, उसी को हम वो जो मेजर है उस चीज का उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है, वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया जो है स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब एक बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर जैसे वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहना चाहेगी, ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहेगी ना वो अपनी जो उसकी स्पीड है उसके मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। तो ये जो है इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। जितना ज्यादा इनर्शिया का जो मेजर होता है उसको मास बोलते हैं बेसिकली। तो क्या है कि जितना ज्यादा एक बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एक साइकिल है और एक ट्रक है, तो अगर आपको ट्रक को मूव कराना है तो उसको मूव कराना ज्यादा मुश्किल है, साइकिल को मूव कराना ज्यादा ईजी है, राइट? क्यों? क्योंकि जो ट्रक है हमारा वो क्या है, उसका इनर्शिया ज्यादा, उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स का इनर्शिया होता है यहाँ पे। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग इट्स ऑन। ठीक है, कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है तो अपने आप मूव कभी नहीं करेगी। ठीक है, तो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी। वो अलग बात है कि आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, बट खुद से बॉडी कभी खुद से उसकी कोई टेंडेंसी नहीं होगी मूव करने की, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहिए। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहते हैं कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कॉन्स्टेंट स्पीड में तो वो कॉन्स्टेंट स्पीड में ही रहना चाहती है। सो इट इज डिफाइंड अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड। ओके, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कैन नीदर गेट्स एक्सेलरेटेड नॉर गेट्स रिटार्डेड ऑन इट्स ओन एंड कैन नॉट स्टॉप इट्स ऑन। तो मतलब एक्सेलरेशन खुद नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं कि उसकी स्पीड बढ़ गई घट गई या डायरेक्शन चेंज हो गई। खैर इसमें हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि ना वो खुद ऐसे एक्सेलरेट हो जाएगी ना वो खुद से डीएक्सेलरेट हो जाएगी। अगर कॉन्स्टेंट स्पीड में मूव कर रही है तो कॉन्स्टेंट स्पीड में ही मूव करती रहेंगी। तो यूजली हम जो देखते हैं कि कोई भी बॉडी चल रही है फिर वो रुक जाती है, तो वो क्यों रुक रही है, वो बेसिकली है कि एक्सटर्नल फोर्सेस वहां लग रही है जो कि फ्रिक्शन है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। अगर नेचर में फ्रिक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगी और कोई बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है कॉन्स्टेंट स्पीड में तो कॉन्स्टेंट स्पीड में ही मूव करती रहेगी। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन कि अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगी। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि अपनी डायरेक्शन अगर वो कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहेगी, डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना प्रोवाइड करे। तो अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जिस लाइन में उसको आपने स्टार्ट करा उसी लाइन में मूव करता रहेगा। डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ डायरेक्शन, मतलब ये इस डायरेक्शन में है तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद ऐसे चला गया ऐसा चला गया, नो। स्ट्रेट लाइन जो मोशन है मतलब अपने स्टार्ट अगर आपने उसको ऐसे, ये बॉडी है अगर आपने ऐसे धक्का दिया तो ऐसे ही स्ट्रेट चलता रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप का बेसिकली इनर्शिया हमने पढ़ा है।
कि किसी भी बॉडी में ये इनर्शिया होता है, मतलब स्टेट चेंज करने का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अपनी बॉडी, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। अब आप एक्सटर्नल फोर्सेस देते हैं तो डेफिनेटली उसकी स्टेट चेंज होती है, लेकिन जब तक आपने नहीं प्रोवाइड करी है तब तक इनर्शिया मेंटेन होता है, मतलब बॉडी, खैर इनर्शिया हमेशा ही रहेगा। अगर आपने फोर्स भी दी है और मास ज़्यादा है किसी भी बॉडी का तो वो डेफिनेटली उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाती है ना। तो यही है कि इनर्शिया अगर ज़्यादा है बॉडी का तो अगर आप फोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे जो चेंज आएगा वो कम आएगा, राइट। तो इनर्शिया जो है बेसिकली यही है कि स्टेट, कितना रेजिस्टेंस है कोई किसी भी चीज़ का, वो मास हमारा मेजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स क्या होती है, आपने पढ़ा है फोर्स, मान लो धक्का। बेसिकली अगर मैं हिंदी में एक लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो किस चीज़ को धक्का मारते हो वो फोर्स है, ठीक है। और अब आपने धक्का मारा तो वो बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक दूसरी फोर्सेज भी होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, खैर हम वो डिस्कस कर रहे हैं अभी। फोर्स क्या है, पुश और पुल, धक्का मारा या खींचा, ठीक है। पुश और पुल, जो लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, ठीक है। विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, साइज और शेप ऑफ अ बॉडी। किसी भी, आपने मान लो एक बैलून है, उसकी शेप चेंज करनी है तो आपको फोर्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मान लो किसी चीज़ को खींच दिया, च्युइंगम है, आप उसको खींचते हैं, फोर्स प्रोवाइड करते हो ना, साइज चेंज कर रहे हो आप उसका, ठीक है। और अगर आप किसी बॉडी को स्टार्ट करवा रहे हो रेस्ट पे, उसको स्टार्ट कराना है मूविंग, तो ये फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ती है। आपको पता है फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और डायमेंशन, ये डायमेंशन एनालिसिस से आया है कि उसकी जो, ये तो आपको अब तक याद ही होना चाहिए अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं और आपको ये नहीं पता है कि फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, तो फिर तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये आपको अब तक याद होना, हो जाना चाहिए कि फोर्स जो होता है वो MLT^2, मतलब इसका जो डायमेंशन फार्मूला है MLT^2-2, फोर्स का हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि यही होता है, ठीक है। मास आपको पता ही है, एम मास है, एल लेंथ है, और टी टाइम, ये बेसिक है। तीनों इन्हीं में ही, इन तीन क्वांटिटीज में ही हम डिस्क्राइब करते हैं डायमेंशंस को हमेशा, ठीक है। फोर्स की जो कैटेगरीज हैं वो टू टाइप की हैं, किसमें हम बांट देते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बेसिकली क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होती है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज मतलब कि मान लो मेरे को फोर्स लगानी है तो उसका कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। जैसे एक बॉडी पड़ी है, ठीक है, और ये हमारा, ये यहाँ पे हमने वो लगा दिया, जमीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगती है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। उस वो नॉर्मल फोर्स तब तक नहीं लगेगी जब तक कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो मान लो जैसे दो चीज़ें हैं, ऐसे हमने ले लिया और धक्का लगा दिया मैंने, तो इसको तो मैंने धक्का लगाया, फोर्स प्रोवाइड कर दी, बट इसको ये आगे जो फोर्स ये शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, ये बीच में यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो अगर वो फोर्स लगने के लिए कॉन्टैक्ट होना जरूरी है तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेज बोलेंगे। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन तब तक नहीं लगेगी जब तक किसी दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्सेज हो गई। टेंशनल फोर्स, मान लो जैसे मैंने ये एक लगा दिया यहाँ पे, मैंने एक रस्सी बांध दी, तो ये कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। तो टेंशन फोर्स भी जो है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी, एक स्प्रिंग से आप कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी जो है हमारी स्प्रिंग फोर्स भी है जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, ये सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट डिस्टेंस फोर्सेज क्या एग्जाम्पल, डिस्टेंस फोर्सेज भी होती है, जैसे जिसके लिए दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, हमारा, हम हवा में भी होंगे, हम हवा में भी हैं तो भी ग्रेविटी लग रही है। अर्थ है ना, ये अर्थ, और तुम यहाँ पे हो हवा में, तब भी ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी लगना बंद हुई, ग्रेविटी तो लग ही रही है। तो ये जो है, ये क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो चार्जेस ले लिया आपने, ठीक है, इनका चिपकना कोई जरूरी नहीं है, मतलब इनका साथ में जुड़ा होना, कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। अगर दूर दूर भी होंगे तो भी वो फोर्स, इसको कहते हैं फोर्सेज एट द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पे भी फोर्सेज लग रही है, फील्स होती है, राइट। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब जो है ये एक्शन है, वही बताएंगे ना, एक्शन एट द डिस्टेंस फोर्सेज है, ठीक है, इनका ये डिस्टेंस पे भी एक्ट करती है। तो यही बेसिकली डिविजन है कैसे हमारा, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्सेज का, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ये बेसिक हम डेफिनेशन डिस्कस करें। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली कितना मोशन, देखो टोटल अमाउंट ऑफ मोशन किसी बॉडी के पास कितना है वो बेसिकली उसका लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो एक बॉडी है, उसका अगर मास ज़्यादा है तो भी उसके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब अगर आप उससे
कोई भारी चीज अगर आपको टकराएगी तो भी आपको ज्यादा दर्द होगा, और कोई स्पीड में आ रही होगी तो भी आपको, मतलब अगर आपको टकरा दिया तो बेसिकली ये जो मोमेंटम है कितना वो मोशन पोजेस करता है, द मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी या अमाउंट ऑफ मोशन, ठीक है, वो जो है वो उसका मोमेंटम है. और मोमेंटम आपको पता ही है फॉर्मूला, मोमेंटम हमारा मास से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड से भी डायरेक्टली, वेलोसिटी से बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमारा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. उसका जो फॉर्मूला है वो एम वी, ये मोमेंटम का हमारा क्या है फॉर्मूला. यहाँ पे ये वेक्टर इसलिए बनाया क्योंकि मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और वी ये वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. वेक्टर स्केलर्स तो आपको पता ही है, वेक्टर्स जिसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है, और स्केलर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओके. तो इसको मोमेंटम कहते हैं. लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम एम वी, इसका जो मैग्नीट्यूड है लीनियर मोमेंटम का वो क्या है, एम वी है. ऐसा यूनिट आपको पता ही है, मास क्या है के जी, और ये जो वेलोसिटी है या स्पीड अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी एसआई यूनिट होगी. और डायमेंशन फॉर्मूला आप देखेंगे तो एम एल टी टू द पावर माइनस वन, बहुत इजीली निकाल सकते हैं. ये मास हो गया और हमारा स्पीड का हमें पता है ये मीटर पर सेकंड होता है ना, तो एल टी टू द पावर माइनस वन इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है. तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन, अच्छा मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है, ऑफकोर्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही जो है वो हमारी मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, ठीक है. तो ये बेसिक डिस्कशन है मोमेंटम का. नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है. तो क्या है बेसिकली, इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तब तक मोमेंटम कंजर्व रहता है. और खैर ये आता कहाँ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है. बट अभी मैं आपको थोड़ा सा ये, क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी रखा है, क्या है हमारा कि जब तक हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तब तक जो है वो मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्वड रहेगा, ठीक है. अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक लॉ है जिसके क्वेश्चन भी आप जितना प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया, क्योंकि काफी बार इसका यूज होता है, ठीक है. तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम. अच्छा देखो यहाँ पे ये चीज लिखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देख रहे हैं चीजें, ठीक है. लीनियर मान लो, आपको पता है ना कि आप जैसे मान लो कोई लिफेयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ी और मैं किसी चीज को मूव करते देख रही हूँ, ठीक है. दो बच्चे हैं वो खेलते देख रही हूँ, बॉल के साथ वो खेल रहे हैं. अभी उसी एक पर्टिकुलर चीज को मान लो आप साइकिल पे जा रहे हो या आप स्कूटी चला रहे हो, तो आप उधर देखते हो तो आप कांस्टेंट स्पीड में देख रहे हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो है बदल जाते हैं, ठीक है. कांस्टेंट स्पीड में आप जा रहे हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है. मान लो फिर आप अपनी स्कूटी एक्सेलरेट भी कर रहे हो तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंस है. तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है रेस्ट अगर मैं देखूं या कांस्टेंट स्पीड में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इन सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है. जब भी कोई चीज अगर रेस्ट पे है या कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है. और अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है, मान लो मैं कार में जा रही हूँ, जो कार एक्सेलरेट कर रही है, तो जो मैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ वो जो है वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस भी बोलते हैं. अब इसकी डिस्कशन कर क्यों रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो हमारा हम आगे न्यूटन लॉ डिस्कस करेंगे, ये जो न्यूटन लॉ वगैरह है ये सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आपको न्यूटन लॉज को डिस्कस करना है, जिसकी हमने डिटेल प्रॉपर डिस्कस कर रखी है अपने कोर्स में, तो आप ये देख सकते हैं वहां पे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आपको न्यूटन लॉ, क्योंकि भाई जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तब भी हम ऑब्जर्वर तो है ही ना, तब आप जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं. वहां अगर आप न्यूटन लॉ लगाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, मतलब वहां न्यूटन लॉ वैलिड ही नहीं है. तो अगर वहां न्यूटन लगाने लगोगे तो दिक्कत है. तो फिर वहां पे आपको कुछ डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, कुछ टेक्निक हमने डिवाइस कर रखी है चीजें समझने की, जिसको हम सूडो फोर्सेस भी बोलते हैं, राइट. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंसेज में हम आगे डिस्कस करेंगे, शूडो फोर्सेज वगैरह का डिस्कशन है. अभी जो न्यूटन लॉ डिस्कशन होगा, न्यूटन लॉ कहाँ वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज में. तो अब हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लो कोई चीज रेस्ट पे और कोई चीज कॉन्स्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, तो ये डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों, बट ये डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज है. कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो कॉन्स्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, वहां पे चीजें अलग हो जाएंगी. जैसे मोमेंटम है, अब देखो वहां पे ये वेलोसिटी अलग हो जाएगी ना, और वेलोसिटी अलग हो जाएगी. अगर आप एक सपोज एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो v1 स्पीड में मूव कर रहा है, और दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो v2 स्पीड में या v2 वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो इन दो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज में दोनों में न्यूटन लॉ वैलिड है. बट उस केस में अगर आप इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ मेजर करोगे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग आएगी. तो वेलोसिटी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट हो जाएगी. इसी तरह आप ये बोल सकते हो, इससे आप ये बोल सकते हो कि मास नहीं चेंज होगा, क्या चेंज होगा, मोमेंटम. तो बेसिकली क्या होगा, अगर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज में ये चीजें बदल जाएंगी, तो मोमेंटम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट होता है. ठीक है, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम डिफरेंट होता है. लेकिन ऐसे नहीं है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क करेगा और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क नहीं करेगा. हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है, वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज में, जो जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज हम डिस्कस करेंगे, वो सब इसमें हमारा ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ है, ये वर्क करता है. ओके, कब तक वर्क करेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी. नो एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क करेगा. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. न्यूटन लॉ जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, ये सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज में वैलिड होते हैं. ओके, नेक्स्ट है इंपल्स. क्या होता है इंपल्स, क्या होता है, जो आपका अभी हमने पढ़ा ना मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, इसको हम इंपल्स बोलते हैं. ठीक है, और ये सेकेंड लॉ से आप देखते भी हैं, इसका जो सेकेंड लॉ अभी हम डिस्कस भी करेंगे, उससे ये आता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम. ये हमारा चेंज इन मोमेंटम, ये सेकेंड लॉ से आया हुआ है, जो हमने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा है. प्रोडक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्सेज एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स, इसको हम इंपल्स कहते हैं. इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम है. ऑफकोर्स यहाँ पे न्यूटन है, ये सेकेंड है, तो इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन सेकेंड है, सॉरी केजी, सॉरी मतलब आप, हाँ यूनिट एनएस लिखेंगे, उसको हम केजी मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं. डायमेंशन फॉर्मूला MLT^-1. इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, वाई फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट. वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करी उसी डायरेक्शन में इंपल्स होगी. ऑफ कोर्स फोर्स जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होता है, राइट. अब जो है हमारे न्यूटन लॉ की डिस्कशन करते हैं हम, कि न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, जब तक किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब तक बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंट स्टेट में रहेगा. रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, कॉन्स्टेंट स्पीड मूव कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन तो मूव करता रहेगा. ये बेसिक डेफिनेशन है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के. बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, कंटिन्यू और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो. इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, कि जो लॉ ऑफ इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये हमें डेफिनेशन देता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की. यह हमें डेफिनेशन देता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्यों होते हैं, क्या होते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें डेफिनेशन देता है, कैसे देता है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, उसी को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. ठीक है, जिस रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, उसी को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और हमें जब हमने करा इसको, हमने देखा किस किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है, वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज है वो कौन से निकले, या तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट है, या वो कॉन्स्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है. ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है. तो ये चीज आपको, और इसका डिस्कशन की प्रॉपर, की न्यूटन फर्स्ट लॉ की कैसे कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं हो रहा है, इसकी कंप्लीट डिस्कशन हमने अपने कोर्स में कर रखी है. खैर,
वो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको पता है इस चीज से आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स दिखेंगे नहीं, कॉन्सेप्चुअल चीज है, बट अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है कि कैसे, अगर मैं इनर्शियल फ्रेम्स को देखूँ तो न्यूटन लॉ वहाँ फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं हो रहा है, तो आप कोर्स में अच्छे से देख सकते हैं पूरा, बहुत लेंथी वीडियो हमने उस पर बना रखा है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, आपको पता इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं तो अभी हम इतना इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। न्यूटन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये यहाँ पे आपको पता है इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके आप कितने सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है यहाँ पे, और इसी से ही आया। वैसे तो देखो पी क्या होता है, एम वी होता है, तो एफ क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ एम वी, तो यहाँ इसको एम डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी इन टू वी, और ये है पूरा फॉर्मूला यही है, बट बहुत सारे केसेस हैं जिसमें डी एम बाई डी टी जीरो होता है, तो इसलिए हमारा जो एफ है वो हो जाता है एम डी वी बाई डी टी विच इज एम इन टू ए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये शॉर्टकट एफ इज इक्वल टू एम ए डायरेक्टली हम यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ मोशन वेक्टर लॉ है, ऑफ कोर्स जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, इट इज इक्वलेंट टू थ्री इक्वेशन, ये थ्री इक्वेशन के इक्वलेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि वेक्टर आप इसको एक्स एक्सिस में, मतलब ये तीन लॉ की तरह, मतलब तीन इक्वेशन बन जाएंगे इस एक चीज से, क्योंकि अगर आप मान लो थ्री डायमेंशन मोशन डिस्कस कर रहे हो तो एक्स एक्सिस में आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स लिखेंगे, फिर एफ वाई को एम ए वाई और एफ जेड को एम ए जेड, जो कि आपने देखे हम क्वेश्चन जब डिस्कस करते हैं या तो हम काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाते हैं तो उसमें हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलग डिस्कशन करते हैं, उसमें अलग काइनेमेटिक इक्वेशन लगाते हैं, वाई एक्सिस में अलग, तो ऐसे ही वर्क करती हैं जो ये वेक्टर इक्वेशंस होती है ना। तो सेकेंड लॉ भी हमने डिस्कस करा, सिंपल है, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीन लॉ को यूज करके आप, अच्छा यहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं ये सेकेंड लॉ है, यहाँ पे एफ नेट है, तो ये एफ ये याद रखें एफ नेट, जो नेट फोर्स है वो एम ए डैश ए वेक्टर होती है, एफ नेट, नेट जो फोर्स होगी वो एम ए, ये एम ए वेक्टर, ठीक है, ये नेट फोर्स है यहाँ पे कि नेट ओवरऑल कितनी नेट फोर्स लग रही है। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ, जो कि आपको पता ही है कि फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसमें ये क्लास में भी हमने डिस्कस करा है कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनको लगता है कि भाई एक्शन पहले हो रहा है रिएक्शन बाद में हो रहा है, कोई टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन में कोई टाइम लैग नहीं होता, तो आप बोल भी नहीं सकते एक्चुअली कि ये एक्शन है ये रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन में कोई टाइम लैग नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता कि एक्शन पहले है रिएक्शन पहले है, एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम टाइम पे लगते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, कभी एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक दीवार है और उस पर कोई बॉडी है धक्का मार रही है, ठीक है, तो अगर मैं दीवार पे एफ फोर्स से धक्का मार रही हूँ तो दीवार मुझ पे एफ फोर्स पे धक्का मार रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये हो गया, ये फोर्स इधर बैलेंस हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अब ये देखो, ये एक ब्लॉक है, ये नीचे एम जी फोर्स, ऊपर एन, ठीक है। अब इसमें एन और एम जी एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है, नहीं, बच्चे बोलते हैं एन और एम जी एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है, नहीं, होता क्या है, ये एम जी कौन लगा रहा है इस ब्लॉक पे, अर्थ लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है नीचे की तरफ, और अर्थ पे भी इसका रिएक्शन है, अगर ये एक्शन बोल रही हूँ तो अर्थ पे इसका रिएक्शन है, ये ब्लॉक भी अर्थ पे एम जी ही फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये एन, एन का भी रिएक्शन है, कहाँ है एन, अगर ऊपर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, सरफेस, तो इसका रिएक्शन कहाँ है, ये सरफेस पे लगा हुआ है एन, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है। यहाँ पे अगर बॉडी दीवार को धक्का मार रही है, वो अगर एक्शन मान रही हूँ मैं, तो दीवार बॉडी पे, तो बॉडी, अगर एक बॉडी की बात करूं तो इस पे क्या फोर्स लग रही है, एफ ही लग रही है, ये जो फोर्स लगा रही है वो उस पे लग रही है, किस पे, हमारी दीवार पे, ठीक है। तो हमने ये क्लास में भी डिस्कस करा था कि जब हम एफ बी डीज वगैरह बनाते हैं तो उसमें सिर्फ वो फोर्सेस ली जाती हैं जो जो बॉडी पे लग रही है, बॉडी जिस किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रही है वो हम डिस्कस नहीं करते हैं जब हम एफ बी डी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एफ नेट लगाएंगे उधर आपको ये वो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे जब, तो वो बॉडी पे क्या फोर्स लग रही है वो लॉ उस पे लगेगा कि बॉडी पे क्या फोर्सेस लग रही है, बॉडी किसी पे क्या फोर्स लगा रही है उससे हमें लेना देना नहीं है।
तो जब FVDs बनाओगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ लगाते हो, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि FVDs वगैरह में बॉडी पे जो फोर्स लग रही है उसी पे ही न्यूटन लॉ लगाएंगे हम. ठीक है, ठीक है. एक ये टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन, इसको भी डिटेल्स में आप देख सकते हैं. जो इसका बेसिकली शॉर्टकट ये है कि इसमें वेरिएबल मास होता है. ठीक है, तो ये भी कंजर्वेशन वेरिएबल मास है, लेकिन इसमें फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरिएबल मास. मतलब यहाँ पे जैसे dm by dt हम फोर्स वाले उसमें डिस्कस कर रहे थे ना, इसमें मास वेरिएबल रहता है. ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका ये हमारा फॉर्मूला है, ये है थ्रस्ट, कितना थ्रस्ट लग रहा है. ठीक है, थ्रस्ट ये एक कोई भी जैसे रॉकेट है, उधर से इजेक्ट हो रहा है ना, इजेक्ट हो रहा है, इसका मास वेरिएबल हो रहा है, इसके अंदर जितना फ्यूल है उसका मास वेरिएबल हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो जो थ्रस्ट होगी वो क्या होगी, माइनस यू डी एम बाई डी टी. यू है एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द बर्न गैसेस. ठीक है, कितनी थ्रस्ट लग रही है हमारी रॉकेट पे. ठीक है, तो बेसिकली एग्जॉस्ट स्पीड जो है बर्न गैसेस की, कितनी स्पीड में बाहर निकल रही है, वो यू है. और dm by dt जो है रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल है, मतलब कितना बेसिकली फ्यूल कितने रेट में बर्न हो रहा है. ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, इसी को यूज करके और पूरा डिस्कशन है इसका. ये हमारा फॉर्मूला है कि अगर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकालना है, ये है इनिशियल स्पीड और ये ऐसे ऐसे चेंज हो रही है इसकी स्पीड. ठीक है, v नॉट क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ द रॉकेट, m नॉट इनिशियल मास, मास प्रेजेंट मास की इस टाइम क्या मास का है, एनी टाइम t. अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को लेना है तो यहाँ पे एक माइनस जी टी वाली टर्म भी आ जाती है. ठीक है, तो ये शॉर्टकट है बेसिकली, अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल क्या है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब है, जब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज उस पर जीरो होगा, तो वो बॉडी जो है हम इक्विलिब्रियम में बोलते हैं. जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, तो इसको बेसिकली इक्विलिब्रियम को आपको पता है, हमने डिस्कस भी करा है कि एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, जब टोटल फोर्सेस जीरो होती है तो उसको हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलते हैं. रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है कि जब टोटल टॉर्क जीरो. ये भी हमने लोअर क्लासेस में डिस्कस करा हुआ है कि जब नेट फोर्स जीरो होती है तो उसको हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब नेट टॉर्क जीरो होती है उसको हम रोटेशन इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट फोर्स यहाँ जीरो है तो इसको हमने इक्विलिब्रियम बोल दिया. टू फोर्सेज एक्ट ऑन अ पार्टिकल, जो नेट फोर्स है वो जीरो है तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है लामिस थ्योरम. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे काफ़ी चीज़ें ना सॉर्ट हो जाती हैं. जैसे तीन फोर्सेस दे रखे हैं अगर आपको, ठीक है, मान लो F1 है, F1 के सामने वाला जो एंगल है वो अल्फा है, F2 है इसके सामने वाला एंगल बीटा है, और F3 के सामने वाला एंगल जो है वो गामा है. F1 के सामने वाला अल्फा, F2 के सामने वाला बीटा, F3 के सामने वाला गामा. ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तीनों जो है इन फोर्सेज की वजह से एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये उसका शॉर्टकट है. ठीक है, कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो स्टेज दर फोर्सेज एक्टर और पार्टिकल इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में है फोर्सेज, तो ईच फोर्सेज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल. ईच फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज, मतलब सामने वाला बेसिकली. ठीक है, तो शॉर्टकट यहाँ पे क्या है, एफ वन बाय साइन अल्फा, ये तो आपको याद होना ही चाहिए. तीन फोर्सेज डायरेक्ट डायरेक्ट लगाओ और उससे चीजें ईजी हो जाएंगी. ठीक है, ये हमारा लामिस थ्योरम हो गया. नेक्स्ट है कॉमन फोर्सेज एंड मैकेनिक्स. आप ये इसका इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको मैकेनिक्स के किसी भी क्वेश्चन में ये फोर्सेज मिल ही जाएंगी. वेट, वेट क्या होता है बॉडी का, जितनी जितनी फोर्स अर्थ हमें खींच रहा है वो किसी भी बॉडी का वेट होता है. फील्ड फोर्स है, फील्ड फोर्स मतलब एक्शन ऐसे, डिस्टेंस मतलब ग्रेविटी की एक फील्ड होती है और उसी पर कोई चीज़ आ रही है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, मतलब कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी नहीं है. तो ग्रेविटी फील्ड फोर्स है, इट इज़ द फोर्स विद विच अ बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये हमारा अर्थ है, कोई भी बॉडी इस फोर्स से सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही है कि ये जो हमारा जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हो, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो आप पढ़ते हो ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ना,
ये ज्वाइनिंग द लाइन, ज्वाइनिंग द टू थिंग्स, ठीक है. तो आपको ये भी पता है कि ग्रेविटी में भी जो हमारा जो अर्थ है वो अपने सेंटर की तरफ हमें खींचता है, ठीक है. द फोर्स विद विच अ बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट हैज मैग्नीट्यूड एम जी. अगर ऑफकोर्स एम इंटू जी क्या है, या एम तो मास ऑफ द बॉडी है और जी क्या, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अर्थ पे, अर्थ के सर्फेस में जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. आप किसी भी बॉडी को एक डिफरेंट जगह ले जाओगे, सपोज मून, मार्स, इन प्लैनेट्स पे ले जाते हैं, वो एक्सेलेरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन सर्फेस ऑफकोर्स क्या हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी. तो वहाँ पे एक बॉडी का जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो ये कॉमन, और ऑफकोर्स हम जितने भी क्वेश्चन मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, ऑफकोर्स ग्रेविटी वाले अगर आप चैप्टर में देखेंगे तो हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जब कोई चीज़ हमारे अर्थ से जितनी जितनी दूर चली जाती है उसका वेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि जी वहाँ डिक्रीज होता रहता है, ठीक है. तो ये आपको बारी बारी ये टर्म्स मिलेंगे ही मिलेंगे आप मैकेनिक्स में पूरे. नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, फोर्सेज बिटवीन टू सर्फेसेज. इसकी एक खासियत है कि ये परपेंडिकुलर रहता है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ठीक है. जैसे ये मैंने ये रख दिया, ठीक है, तो ये ऐसे एक ब्लॉक है, ये जमीन पे रखा हुआ है, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है. अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन पे रख दूंगी तो ऐसे हो जाएगा. तो ये हमेशा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर रहेगा हमारी जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है. हाँ, तो टेंशन क्या है, ये हमेशा पुल करती है बॉडी को, ठीक है. टेंशन कभी ये नहीं मिलेगी पुश करके. मान लो, देखो, मान लो हमने सीलिंग से एक चीज लटका दी, तो ये हमेशा पुल करेगी ऑब्जेक्ट को, पुश नहीं कर सकती, ठीक है. टेंशन एक रिएक्टिव फोर्स है. एक्टिव मतलब पहले आप जैसे आप ब्लॉक लगाओगे तो टेंशन आ जाएगी, ठीक है. वैसे टेंशन नहीं एग्जिस्ट करेगी, खाली एक रस्सी को छोड़ दो उसमें टेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी. ब्लॉक लगा दोगे तो टेंशन आ जाएगी. तो एक रिएक्टिव फोर्स है, ठीक है. टेंशन अक्रॉस अ मासलेस पुल्ली वगैरह जब हम डिस्कस करते हैं, आपने देखा भी होगा, एक मासलेस पुल्ली ले लिया मैंने या फ्रिक्शनलेस पुल्ली ले ली, तो इसके दोनों साइड पे जो टेंशन है वो हम इक्वल लेते हैं, ठीक है, मासलेस पुल्ली. लेकिन अगर मैंने इस पुल्ली को, इसमें पुल्ली में मास आ गया, मास आ गया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशन, रोटेट होगा और ये सब. जब रोटेशन मैकेनिक्स डिस्कस करते हैं तो उधर आप देखते हैं कि दो, अगर दोनों साइड टेंशन डिफरेंट रहती है, ठीक है. तो अगर जो हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है ना, साइज वाइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. मासलेस है स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है. तो उन केसेस में हमारी स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम रहती है. जितने भी क्वेश्चन हैं हमने जो फोर्स वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें हमने सब में टेंशन सेम, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही है, क्योंकि वो एक आइडियल स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है. और पुल्ली में भी हम आइडियल पुल्ली डिस्कस करते हैं, मतलब पुल्ली में जिस स्ट्रिंग चल रही है पुल्ली रोटेट नहीं कर रही, स्ट्रिंग स्लाइड हो रही है और वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है. पुल्ली जो है हमारी स्ट्रिंग को कोई फ्रिक्शन नहीं दे रही है. अगर पुल्ली फ्रिक्शन देगी स्ट्रिंग को तो टेंशन अलग हो जाएगी, ठीक है. तो इसलिए हम हर जगह पुल्ली की, जब पुल्ली के भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एटवुड मशीन, उसके जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हर साइड हम हर पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम लेते हैं, ठीक है. यहाँ लिखा है रोप बिकम स्लैक व्हेन टेंशन फोर्स बिकम जीरो. याद हो किसी को तो एचसी फॉर्म में क्वेश्चन भी है कि मान लो ऐसे मैंने करा, ऐसे धक्का दे दिया एक चीज को, तो कोई चीज ऐसे मूव करी और वो स्लैक कर गई. स्लैक का मतलब यही है, स्लैक का मतलब कोई चीज, स्लैक मतलब जैसे वो जा रही है, ऐसे मैंने किसी चीज को, एक बॉब है किसी चीज से लटका रखा, धक्का धक्का. अब वो देखो अगर आप उसको ज्यादा स्पीड नहीं दोगे ना तो वो ऐसे रोटेट करके ऐसे नीचे गिर जाएगा, तो स्लैक हो गया. स्लैक करेंगे मतलब वहां उस पॉइंट पे जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो जीरो हो गया, तो ठीक है, तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाया, ठीक है. तो वो जो ऐसा, ऐसे क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं एचसी वर्म में, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि रोप बिकम स्लैक, अगर कभी बोला है कि रोप स्लैक हो गई मतलब वहां उसकी टेंशन जीरो हो गई, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है एपरेंट वेट क्या होता है. एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट, व्हेन अ लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है. देखो एपरेंट वेट लिफ्ट है, ये हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है. लिफ्ट है, उसमें कोई चीज पड़ी है, ठीक है. अब लिफ्ट जो है, अब हम केस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस, लिफ्ट या तो रेस्ट पे या कॉन्स्टेंट स्पीड पे जा रहा है. तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम न्यूटन के लॉ लगाएंगे. एक बॉडी है अंदर, लिफ्ट के अंदर पड़ी है, उस पर जो फोर्स है नीचे की तरफ वो एम जी है, ऊपर की तरफ एन है, राइट. एम जी है, ऊपर की तरफ एन है. ये आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने डिस्कस करा भी है कि इसकी जो रिएक्शन फोर्स है वो हमारे सरफेस पे नीचे की तरफ, ठीक है. तो एन एम जी. अब वेट
देखो वेट किसी चीज का, अगर ये वेइंग मशीन लगा रही हूँ तो वेइंग मशीन क्या एन मेजर करता है, एमजी मेजर नहीं करता। वेइंग मशीन क्या होता है कि तुम एक वेइंग मशीन पे खड़े हो तो एन फोर्स लगाते हो तुम वेइंग मशीन पे, ठीक है, यही फोर्स है। तुम एमजी फोर्स से लगाते हो वेइंग मशीन पे, एमजी तुम पे लग रही है बाय अर्थ। तुम अगर वेइंग मशीन पे फोर्स लगा रहे हो वो एन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज कॉन्स्टेंट स्पीड में जा रही है तो एन और एम जी बैलेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स है ही नहीं। नेट फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, तो एम इंटू ए तो जीरो हो गए यहाँ पे, मतलब नेट फोर्स क्या है, एन माइनस एम जी। ऊपर वाली फोर्सेस को अगर पॉजिटिव ले ले, नीचे वाले फोर्सेस को नेगेटिव ले ले, तो ये जीरो हो जाएगा। तो एन क्या हो गया यहाँ पे, एन क्या हो गया यहाँ पे, एन हो गया एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन इक्वल्स टू एम जी। तो ये इस केस में जब तू जो जो तुम्हारा यहाँ पे हमने नीचे वो लगा रखा है वेट, सॉरी जो हमने वेइंग मशीन लगा रखी है वो एम जी ही, जो वेट है उतना ही मेजर करेगी, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एम जी हो गया, वेइंग मशीन विल रीड द एक्चुअल वेट, कितना अर्थ तुम पे फोर्स लगाते हैं वही एक्चुअल वेट मेजर करेगा। सेकेंड, अब तुमने क्या करा, अब मान लो हमारी जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, तो एक नेट फोर्स है, ऊपर वाली जो फोर्स है एन, इसको हमने R1 लिख रखा है यहाँ पे, R1 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो R1 क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए, ठीक है, R1 क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए, राइट। क्यों, अब यहाँ पे तुम, हमने न्यूटन लॉ लगाया, मतलब जब तुम ऊपर जा रहे हो तो तुम्हारी जो नेट फोर्स है जो स्प्रिंग, अब हमारी कहाँ जो हम लगा रहे हैं किस पे, वेइंग मशीन पे, वो फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, वो फोर्स ज़्यादा है। तो अपेरेंट वेट जब ऊपर जा रही है लिफ्ट तो ज़्यादा हो जाएगा किसी भी बॉडी का, अगर वो वेइंग मशीन पे, मतलब वो नॉट कि वो वेइंग मशीन पे खड़ा है, उसका अपेरेंट वेट ज़्यादा ही होगा, मतलब वो लिफ्ट के जो सरफेस है उस पर जो फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो द वेइंग मशीन विल रीड द अपेरेंट वेट विच इज मोर देन द एक्चुअल वेट। सिमिलरली जब नीचे जा रहा है तो एम जी माइनस आर टू, देखो ये एफ बी डी है ना, ये वाला जो ब्लॉक है इस पे हमने वो फोर्सेस लगाई है जो इस पे लग रही है, एम जी अर्थ लगा रहा है, आर टू जो सरफेस लगा रहा है, जो ये लगा रहा है ये वाला जो ब्लॉक है ये अर्थ पे कुछ फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स हम इसमें नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो एम जी माइनस आर टू इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहाँ से आर टू क्या हो गया, एम जी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन अ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड तो अपेरेंट वेट जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। द वेइंग मशीन विल रीड द अपेरेंट वेट विच इज लेस देन द एक्चुअल वेट, वेइंग मशीन जो है वो अपेरेंट वेट मेजर करके जो लेस है, ठीक है। व्हेन लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, अगर फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी होगी, ठीक है, मतलब लिफ्ट ऑफकोर्स ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा जो फ्रीली फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी। मान लो स्ट्रिंग, लिफ्ट जिस स्ट्रिंग से टंगी होती है, लिफ्ट जो एक्चुअली कैरी करता है लिफ्ट को, कट जाए तो लिफ्ट क्या होगा, लिफ्ट फ्रीली फॉल कर जाएगी। तो अगर ऐसा होगा तो अपेरेंट वेट उसके अंदर जो बॉडी है, अगर आप इधर ए को जी डाल देंगे तो एम जीरो, तो उस केस में जीरो अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा, क्या हो जाओगे आप, मास, मतलब वेटलेस, वेटलेस फील होगा आपको, अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो आपको वेटलेस फील होगा, ठीक है। सो व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी तो वेटलेस फील होगा, अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स जीरो। इसी तरह मान लो वो जो एक्सेलेट, अगर एक्सेलेशन ग्रेटर देन जी से करेंगे तो तुम्हें फ्री फॉल नहीं होगा, फिर तुम ऊपर की तरफ एक धक्का लगा से लगेगा तो देन बॉडी विल बी लिफ्टेड फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, ऊपर की तरफ चले जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है अपेरेंट वेट, और आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या लगाया है, न्यूटन के लॉ ही लगाया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये आप, ये जो पूरा डिस्कशन है ये एफ बी डी, आपको बहुत सारे, आप हमारे कोर्स में हमने इन पर्टिकुलर उससे लेके बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करा है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन एफ बी डी बना बना के कि कैसे एक्सेलरेशन लगता है, बहुत सारा डिस्कशन हमने कर रखा है। ऑफकोर्स अभी हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अब जस्ट एक रिविजन वीडियो है ये। अच्छा, ये नया टॉपिक है, क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, देखो फ्रिक्शन वो चीज़ है, बेसिकली फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, मोशन को अपोज नहीं करती। ये बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, नहीं, फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द, पहली बात तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, अगर ये कोई बॉडी आगे स्पीड में जा रहा है मान लो, तो इसमें जो फ्रिक्शन है, रिलेटिव मोशन, अगर ये आगे जा रहा है इधर तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी, अगर ये इधर जा रहा है
ठीक है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। अभी तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये तो मोशन को अपोज करिए, नहीं ठीक है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शन जो है हमारी वो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। कैसे, जैसे अब आप ये देख सकते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करेगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, आपको पता है कि आप चल नहीं सकते, फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर हम क्या करते हैं, हम अपनी ये जो हमारा ये है जो सरफेस है उसको पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, ठीक है। तो मेरे पैर ने सरफेस को पीछे की तरफ धक्का मारा, तो मोशन कहाँ है, पीछे की तरफ, राइट। मैंने जो ये सरफेस है इसको पीछे की तरफ धक्का मारा, तो फ्रिक्शन मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी आगे की तरफ। तो मोशन, इसने एक्चुअली मोशन को अपोज नहीं करा, यहाँ पे क्या हुआ है, रिलेटिव मोशन को अपोज करा है। मैंने पीछे की तरफ धक्का मारा तो फ्रिक्शन ने मुझे आगे की तरफ धक्का मारा, या आप बोल सकते हो कि सरफेस ने मुझे आगे की तरफ धक्का मारा, ठीक है। मैंने सरफेस को पीछे की तरफ धक्का मारा, फ्रिक्शन के थ्रू सरफेस ने मुझे आगे की तरफ धक्का मारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोशन करा रही है, मतलब बॉडी आगे जा रही है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब आप यहाँ पे देख, इनफैक्ट आप हमने क्वेश्चन आप ये भी देखो, ठीक है, एक ब्लॉक है, फोर्स लगा दी मैंने, ठीक है, तो इसके ऊपर वाला जो ब्लॉक है इस नीचे वाले ब्लॉक पे ऐसे फ्रिक्शन लगाता है और ऊपर वाले ब्लॉक पे ऐसे फ्रिक्शन लगती है, राइट। जिस फ्रिक्शन की वजह से ये वाला छोटा वाला ब्लॉक इस बड़े वाले ब्लॉक के साथ आगे आगे चलता है, तो यहाँ फ्रिक्शन एक्चुअली इसका मोशन करा रही है आगे की तरफ, है ना। तो यहाँ इसको अपोज थोड़ी कर रही है, इस मोशन को अपोज थोड़ी कर रही है, राइट। तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि फ्रिक्शन एक्चुअली रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। इट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरमोलिक्युलर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडीज इन द कॉन्टैक्ट। बेसिकली जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उसके बीच में जो इंटरमोलिक्युलर इंटरेक्शन होता है वो फ्रिक्शन का कारण है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो थ्री टाइप्स की है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या होती है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे है, देखो बॉडी रेस्ट पे है, जब तक वो बॉडी रेस्ट पे है तब तक जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये बॉडी मूव कर जाएगी तब भी इस पे फ्रिक्शन लगेगी, लेकिन उस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो बॉडी रेस्ट पे है, अब इसमें फ्रिक्शन है, बॉडी रेस्ट पे है, चलो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन अब मैंने बॉडी को मूव करा दिया, ठीक है। मान लो 10 न्यूटन मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब फ्रिक्शन, अब स्टैटिक फ्रिक्शन की खासियत होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की खासियत होती है, ये क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है मतलब ये अपने आपको सेल्फ एडजस्ट, ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है। तो मान लो ये बॉडी है, ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक 50 न्यूटन फोर्स ना दो। हर बॉडी थोड़ी सी फोर्स देते ही नहीं मूव कर जाती, उसको कुछ एक मिनिमम फोर्स चाहिए होती है वो मूव करने के लिए। वो इसलिए होती है, अब ये समझेंगे क्यों होती है। देखो एक बॉडी है 50 न्यूटन मिनिमम उसको चाहिए, ठीक है। 10 न्यूटन दिया नहीं मूव करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब अगर फोर्स नहीं है कोई, इस डायरेक्शन में फोर्स है तो देखो उसको मूव कर ही देना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स है, बॉडी का एक्सेलेरेशन कुछ भी होना तो चाहिए। अगर एक्सेलेरेशन कम भी होता है, मान लो मास बहुत ज्यादा है बॉडी का, फिर भी देयर विल बी सर्टेन, मतलब कुछ तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना एक्सेलेरेशन का। अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स फोर्स बिल्कुल बैलेंस्ड है, एक्सेलेरेशन जीरो। तो एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगी है पीछे की तरफ, ठीक है, फोर्स आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स लगी है पीछे की तरफ, और ये जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो 10 न्यूटन ही है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, पीछे की तरफ है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। अब क्या हुआ, अब इस बॉडी पे तुमने 20 न्यूटन फोर्स लगा दी, तो अब ये फ्रिक्शन फोर्स अपने आपको एडजस्ट कर लेगी। बॉडी अगर नहीं मूव कर रही तो फ्रिक्शन अपने आपको 20 न्यूटन, इसी तरह 40 कर दोगे, 40 न्यूटन बढ़ा दोगे फोर्स, तो अब फ्रिक्शन फोर्स अपने आपको 40 न्यूटन कर लेगी। बात तब आएगी जब 50 न्यूटन हो जाए, 50 न्यूटन हो जाए तो अब फ्रिक्शन ने अपने आपको 50 न्यूटन कर दिया। लेकिन अगर ये 51 न्यूटन भी होगी तो इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं, ये जो है ना ये 50 न्यूटन मिनिमम इतना चाहिए वरना बॉडी मूव नहीं करेगी, इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मिनिमम
मतलब इतना तुम्हें चाहिए बॉडी, अदरवाइज मूव ही नहीं करेगी. इतना बॉडी को तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी. लेकिन ये अपनी जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो सकती. इसकी एक लिमिट है कि इतनी ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. अब अगर तुमने 51 न्यूटन भी दे दी तो एक नेट फोर्स हो जाएगी. नेट फोर्स क्या है? 51 माइनस एफ लिमिट, जो कि हो गया 1 न्यूटन. अब ये जो 1 न्यूटन नेट फोर्स है, ये बॉडी की एक्सेलरेशन करा देगी. ठीक है, आगे समझ. तो जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स है, इससे हम एक लॉ बनाते हैं. फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली इज लेस देन इक्वल टू एफ लिमिट. जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से या तो लेस रहेगी. मतलब जैसे अभी हमने देखा ना, 20 हमने एक्सटर्नल फोर्स करी तो 20 हो गई थी, फिर 30 हो गई थी. तो मतलब या तो उससे कम रहेगी या इक्वल हो सकती है. इक्वल हो सकती है इस केस में, जब ये 50 न्यूटन से ज्यादा हो गया था तो इक्वल हो गई थी लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती कभी स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर लिमिटिंग हमें 50 न्यूटन दे रखे तो तू कभी नहीं सुनोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है 52 न्यूटन होगी. नो. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ लिमिट. और ये जो एफ लिमिट होता है ना यहाँ पे, इसको तुम पता लगा सकते हो. कैसे पता लगा सकते हो? इसको हम लिखते हैं म्यू एस इंटू एन. एफ लिमिट की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन. म्यू एस क्या है? कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. म्यू एस क्या है? कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये वैल्यू है हमारी म्यू एस की. एन क्या है? एन है नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स जो बॉडी है ना, इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रही है, कौन? जो सरफेस लगा रहा है वो जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है. ठीक है, तो ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है, इंक्रीजेस एज द फोर्स इंक्रीज करती रहती है. अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हो मोशन को, इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करती है. इम्पेंडिंग मोशन मतलब जो आगे, इम्पेंडिंग मतलब आगे होने वाला है, अभी वो उसको होने ही नहीं दे रहा है, उस मोशन को होने ही नहीं दे रहा है. क्यों? क्योंकि ये सेल्फ एडजस्ट कर रही है अपने आप को. ओके,